अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में डे बुक में रहते हुए ट्रांजैक्शंस से संबंधित क्या काम किए जा सकते हैं। इसके पहले वाली दो वीडियोस में आपने जाना कि डे बुक क्या है, इसे कैसे देखते हैं, साथ ही डे बुक में कॉन्फ़िगरेशन के साथ अन्य ऑप्शंस का उपयोग कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि डे बुक में रहते हुए ट्रांजैक्शन से संबंधित कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। ध्यान रखें, डे बुक की इसके पहले वाली दो वीडियोस और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों में बताए गए ऑप्शंस आपको कई जगह पर बहुत काम आएंगे। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। डे बुक के लिए के प्रेस करें। अब वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से लेकर जहां तक हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं वहां तक की रिपोर्ट देखने के लिए ऑल्ट और F2 की प्रेस करेंगे। अब यहां पर फ्रॉम में स्पेस बार प्रेस करके एंटर प्रेस करें और इसी तरह टू में भी स्पेस बार प्रेस करके एंटर प्रेस करें। देखिए, यहां सभी वाउचर्स दिखाई पड़ रहे हैं। यहां F4 की सहायता से सेल्स वाउचर सिलेक्ट कर लें। अब F12 से कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपने जो वाउचर्स बनाए हैं, यदि आप उनमें से किसी वाउचर को देखना चाहते हैं या किसी वाउचर में कुछ बदलाव यानी ऑल्टरेशन करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए वाउचर पर जाकर एंटर प्रेस करें। देखिए, हम जिस वाउचर पर गए थे वो ओपन हो गया है। यहाँ से आप जो भी ऑल्टरेशन करना चाहें, जैसे पार्टी का नाम, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी या रेट इत्यादि में जो भी परिवर्तन करना चाहें कर सकते हैं। साथ ही यदि आप कोई नया आइटम जोड़ना चाहते हैं या कोई आइटम डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हम इसमें पहला आइटम डिलीट करना चाहते हैं तो उस पर जाकर डिलीट बटन प्रेस करके आइटम का नाम डिलीट कर देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। देखिए, पहला आइटम चला गया और उसकी जगह पर दूसरा आइटम जो कि नीचे था वो आ गया है। अब यदि आप इसे भी बदलना चाहते हैं तो स्पेस बार प्रेस करें और दूसरा आइटम सिलेक्ट कर लें। यदि आपको इसमें कुछ स्टॉक आइटम्स और लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं। अब हम इस वाउचर को कंट्रोल और A कीज प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यदि आप किसी वाउचर को डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। किसी वाउचर को डिलीट करने के पहले हम आखिरी वाउचर का नंबर देख लेते हैं जो कि 6 है। अब जिस वाउचर को आप डिलीट करना चाहते हैं उस पर जाकर ऑल्टर और D कीज प्रेस करें। जैसे यहाँ हम दो नंबर के वाउचर पर जाकर ऑल्टर और D कीज को प्रेस कर रहे हैं। ऐसा करते ही एक कंफर्मेशन विंडो आएगी। यदि आप वाकई में डिलीट करना चाहते हैं तो यस के लिए Y या एंटर प्रेस करें और यदि डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो नो के लिए N प्रेस करें। हम इसे डिलीट करना चाहते हैं इसलिए Y प्रेस कर रहे हैं। देखिए, ऐसा करते ही वो वाउचर डिलीट हो गया और उसके बाद की सभी वाउचर्स के नंबर्स भी चेंज हो गए हैं, जो कि हम आखिरी वाउचर का नंबर देखकर समझ सकते हैं। पहले आखिरी वाउचर का नंबर 6 था जो कि अब बदलकर 5 हो गया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझ लें कि सेल्स वाउचर के स्थान पर यदि कोई और वाउचर होता तो वाउचर नंबर बदल जाना बड़ी समस्या नहीं होती, पर सेल्स वाउचर के नंबर बदल जाना बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि हम इन सेल्स बिल के प्रिंट अपने कस्टमर्स को दे चुके हैं
और उनके रिकॉर्ड में हमारे जो बिल नंबर हैं और हमारे रिकॉर्ड में जो वाउचर यानी बिल नंबर हैं, वाउचर डिलीट करने से अब वे अलग अलग हो गए हैं, जो कि गलत है। उदाहरण के लिए हमने कस्टमर को जो बिल नंबर 6 का प्रिंट दिया था, उसका नंबर अब हमारे यहाँ 5 हो गया है। यानी एक ही बिल के दोनों के रिकॉर्ड्स में अलग अलग नंबर हो गए हैं, जो कि गलत है। यहाँ हमारा कहने का मतलब ये है कि डिलीट का उपयोग जब भी करें, सोच समझ कर करें, खासतौर पर सेल्स वाउचर्स के केस में। टेली ने किसी सेल्स बिल को डिलीट करने से होने वाली समस्या का एक सरल समाधान कैंसल भी दिया है। इसका फायदा ये है कि इसका उपयोग करने से बिल नंबर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आइए इसका उपयोग आपको करके बता देते हैं। उपयोग करने से पहले आखिरी वाउचर नंबर देख लेते हैं, जो कि 5 है। अब वाउचर को कैंसिल करने के लिए वाउचर पर जाकर ऑल्टर और एक्स प्रेस करें। कंफर्मेशन विंडो आ रही है, यहाँ यस के लिए वाई प्रेस करें। देखिए यहाँ वाउचर की डिटेल्स चली गई है और सिर्फ कैंसिल लिखा आ रहा है। साथ ही देखें आखिरी बिल नंबर 5 पहले की ही तरह अपनी जगह पर है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी डिलीट के स्थान पर कैंसिल करने से बिल नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। भविष्य में यदि आप चाहें तो कैंसिल वाउचर को सिलेक्ट करके ओपन करें और उसकी जगह दूसरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे समझने के लिए हम F4 प्रेस करके ऑल आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं। आइए अब समझते हैं ऐड वाउचर की प्रक्रिया को। मान लीजिए कि हमें 1 मई को कोई पेमेंट प्राप्त हुआ था जिसकी एंट्री करना हम भूल गए थे, तो अब हम जिस वाउचर के बाद उसी टाइप का एक वाउचर और बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम इस रिसीट वाउचर जिसका नंबर 2 और तारीख 1 मई है, इसके बाद इसी तारीख में एक और रिसीट वाउचर जिसका नंबर 3 हो बनाना चाहते हैं, तो हम इस वाउचर पर जाकर ऑल्टर और ए कीज को प्रेस करेंगे। आप उस वाउचर पर जाकर ऑल्टर और ए प्रेस करें जिसके बाद आप नया वाउचर बनाना चाहते हैं। देखिए हमने रिसीट वाउचर सिलेक्ट किया था, तो यहाँ रिसीट वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ रही है, साथ ही उसका अगला नंबर 3 और तारीख 1 मई ही आ रही है। अब यहाँ से हम वाउचर बना सकते हैं। हम एस्केप की से वापस चलते हैं। ऐड वाउचर का एक और मुख्य उपयोग है, जब आप डे बुक पर होते हैं और उस समय यदि आप किसी भी तारीख में किसी भी टाइप का कोई वाउचर बनाना चाहते हैं, तो ऑल्टर के साथ ए की को प्रेस करें। ध्यान रखें इसके लिए आपको किसी भी वाउचर पर जाने की जरूरत नहीं है। अब ऑल्टर और ए की प्रेस करेंगे। देखिए अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ गई है। यहाँ पहले आप जिस तरह का वाउचर बनाना चाहते हैं उसे राइट बटन बार या शॉर्टकट की सहायता से सिलेक्ट करें, तारीख बदलें और फिर अपना वाउचर बना लें। मान लीजिए हमने 1 सितंबर 2020 को रमेश शर्मा को सितंबर माह 2020 का ऑफिस का किराया 10,000 रूपए नगद दिया। आइए इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखिए अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ रही है। हम F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर ले आते हैं। अब F2 की सहायता से तारीख बदल लेते हैं। अब वाउचर बना लेते हैं। अब इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। आइए अब अगला शॉर्टकट समझ लेते हैं। अभी हमने जो ऑफिस किराए पर लिया है उसका किराया प्रतिमाह देना होगा और हम चाहते हैं कि इसके लिए हमें वाउचर बनाने की पूरी प्रक्रिया दोहरानी ना पड़े, तो उसके लिए हम वाउचर का डुप्लीकेट बना सकते हैं। डुप्लीकेट वाउचर बनाने के लिए पहले आप जिस वाउचर का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं उस पर जाएं। और ऑल्टर और 2 कीज को प्रेस करें। देखिए हमने जिस वाउचर पर जाकर ऑल्टर और 2 कीज को प्रेस किया था, यहाँ उसका डुप्लीकेट आ गया है। अब इसमें जो भी चेंजेस करना हो वो हम कर सकते हैं।
हम F2 की प्रेस करके तारीख बदल रहे हैं। और एंटर प्रेस करते हुए नरेशन पर आ गए हैं। नरेशन के आखिर में यदि कुछ टाइप करना चाहते हो तो एंड की प्रेस करें, और यदि प्रारंभ में कुछ टाइप करना चाहते हो तो होम की प्रेस करें, और बीच के लिए लेफ्ट एरो या राइट एरो की का उपयोग करें। यहाँ हम अक्टूबर माह का किराया दे रहे हैं, तो सितंबर 2020 को बदलकर अक्टूबर 2020 कर रहे हैं। ध्यान रखें, किसी शब्द को हटाने के लिए डिलीट या बैकस्पेस की का उपयोग करें। अब इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह आप डुप्लीकेट वाउचर बनाकर अपना समय बचा सकते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं इंसर्ट वाउचर की प्रक्रिया को। कई बार ऐसा होता है कि हम कई सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो बीच में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल भी जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम 1 अक्टूबर के पेमेंट वाउचर जिसका नंबर 6 है के पहले एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए थे, जो कि इस प्रकार है। 1 अक्टूबर 2020 को हमने रमेश से एक टेबल 1,000 रूपए नगद देकर खरीदी। तो आइए देखते हैं बीच में वाउचर कैसे इंसर्ट करते हैं। इसके लिए जिस वाउचर के पहले आप ये वाउचर बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम 1 अक्टूबर को पेमेंट वाउचर नंबर 6 की जगह पर ये वाउचर बनाना चाहते हैं, तो उस पर जाकर ऑल्टर और आई की प्रेस करें। ये देखिए पेमेंट वाउचर क्रिएशन विंडो आ रही है। यहाँ वाउचर का वही नंबर आ रहा है जो वाउचर हमने सिलेक्ट किया था। अब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए हमने जिस वाउचर पर जाकर ऑल्टर और आई कीज को प्रेस किया था वो नीचे आ गया है और उसकी जगह पर नया वाउचर आ गया है। अब यहाँ आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इंसर्ट वाउचर और ऐड वाउचर का उपयोग तो एक ही है, फिर ये अलग अलग कैसे हुए? देखिए, ऐड वाउचर का उपयोग हमने किसी वाउचर के बाद वाले नंबर पर वाउचर बनाने के लिए किया था, जबकि इंसर्ट वाउचर का उपयोग हमने किसी निश्चित वाउचर नंबर पर कोई नया वाउचर बनाने के लिए किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ दिखाई पड़ रहे वाउचर्स में से कुछ वाउचर्स हम डिलीट करना चाहते हैं, तो इन्हें एक एक करके डिलीट करने की बजाय एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए पहले जिन वाउचर्स को डिलीट करना चाहते हो उन पर अप या डाउन एरो की से जाएं और स्पेस बार प्रेस करके उन्हें सिलेक्ट कर लें। ये देखिए हमने 4 वाउचर सिलेक्ट कर लिए हैं। अब ऑल्टर और डी प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही पूछा जाएगा कि क्या आप सिलेक्ट किए गए वाउचर्स को डिलीट करना चाहते हैं? यदि हाँ तो वाई प्रेस करें। वाई प्रेस करते ही सिलेक्ट किए गए सभी वाउचर्स डिलीट हो जाएंगे। हमें ये वाउचर्स डिलीट नहीं करना है, इसलिए हम एन प्रेस कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप गलती से कोई वाउचर सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने इन 4 वाउचर्स में से इस वाउचर को गलती से सिलेक्ट कर लिया था और अब हम इसे डी सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इस वाउचर पर जाकर स्पेस बार प्रेस करें। ये देखिए सिलेक्शन हट गया है। और यदि आप सिलेक्ट किए गए सभी वाउचर्स को एक साथ डी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एस्केप की प्रेस करें। ऐसा करते ही सिलेक्शन हट जाएगा। यदि किसी कारण से आप सभी वाउचर्स को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करें। ये देखिए सभी वाउचर सिलेक्ट हो गए हैं। और यदि आप इन्हें डी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करें।
तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको कुछ शॉर्टकट्स बताए हैं, उनको एक बार फिर से शॉर्ट में बता देते हैं। किसी वाउचर को ऑल्टर करने के लिए उस पर जाकर एंटर प्रेस करें, वो वाउचर ओपन हो जाएगा। आप अपनी जरूरत के अनुसार उसमें चेंजेस करके उसे एक्सेप्ट कर लें। किसी वाउचर को डिलीट करने के लिए उस वाउचर पर जाकर ऑल्टर और डी प्रेस करें और फिर एंटर प्रेस करें। किसी वाउचर को कैंसिल करने के लिए उस वाउचर पर जाकर ऑल्टर और एक्स प्रेस करें और फिर एंटर प्रेस करें। किसी भी वाउचर के बाद उसी प्रकार का अगले नंबर का वाउचर बनाने के लिए उस पर जाकर ऑल्टर और ए कीज प्रेस करें, या फिर किसी भी प्रकार का नया वाउचर लाने के लिए यानी एड वाउचर के लिए ऑल्टर और ए प्रेस करें। किसी वाउचर का डुप्लीकेट बनाने के लिए उस वाउचर पर जाकर ऑल्टर और टू प्रेस करें। किसी निश्चित वाउचर नंबर के स्थान पर उसी नंबर का उसी टाइप का नया वाउचर बनाने के लिए यानी इंसर्ट वाउचर के लिए उस वाउचर पर जाकर ऑल्टर और आई प्रेस करें। किसी वाउचर को सिलेक्ट करने के लिए उस पर जाकर स्पेस बार प्रेस करें। सिलेक्टेड वाउचर्स को डी सिलेक्ट करने के लिए पुनः उस पर जाकर स्पेस बार प्रेस करें। और यदि आपने बहुत से वाउचर सिलेक्ट किए हुए हैं तो उन्हें एक साथ डी सिलेक्ट करने के लिए स्केप की प्रेस करें। दिखाई पड़ रहे सभी वाउचर्स को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करें। सिलेक्टेड वाउचर्स को एक साथ डी सिलेक्ट करने के लिए फिर से कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करें या स्केप की प्रेस करें। इसी तरह के कुछ शॉर्टकट्स और भी हैं जो हम आपको अगली वीडियो लेजर्स को कैसे देखें में बताएंगे। इस वीडियो में और इसके पहले वाली दो वीडियोस में आपने डे बुक के बारे में जाना। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको रिपोर्ट्स हेडिंग के अंतर्गत आने वाली अकाउंट्स बुक्स में लेजर के बारे में बताएंगे।